नमस्कार, नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष वर्मा और आप सब लोग घरों में बैठ के ये सोच रहे होंगे कि आज स्टूडियो की जगह मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। जी हाँ, आपसे नो योर कंपनी में हमारी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जहाँ से कामकाज करती हैं, जहाँ पे उनकी यूनिट्स हैं, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर जाएं, उन बिजनेस को बेहतर समझने की कोशिश करें, आप लोग भी उन कारोबार को देख पाएं, समझ पाएं। और उसी कड़ी में आज एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी, घबराइएगा नहीं, पहले मैं भी देख के घबरा गया था, लेकिन ये सिर्फ एक काऊ का मॉडल है, लेकिन हाँ रेडार पे ऐसी इसी से जुड़ी एक कंपनी है। ये कंपनी है पराग मिल्क फूड्स और मैं आया हूँ पुणे से लगभग 2 घंटे दूर मंचर नाम की एक जगह है जहाँ पे इस कंपनी का बहुत बड़ा यूनिट है, एस्टैब्लिशमेंट है। और आज डिटेल में चर्चा होगी इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर देवेंद्र शाह से। आइए चलते हैं, उनसे मिलाते हैं आपको। देवेंद्र शाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के लिए आज वक्त निकालने के लिए। वेलकम, मज़ा आ गया इस फैसिलिटी को देख कर। मैं ये जानना चाहता था ये जो मंचर की फैसिलिटी है, ये इस तरह की फैसिलिटी मैंने अज्यूम नहीं करा था कि ऐसा कोई काउशेड भी होगा हिंदुस्तान में। ब्यूटीफुल, क्या लॉजिक था सर? और ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पर, कितना बड़ा कामकाज है यहाँ पे ये मंचर का? ये यहाँ पे जो है हमारी आज 2500-800 काउज है यहाँ पे, और ये भाग्यलक्ष्मी काऊ फार्म करके आज इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट काऊ फार्म। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं पराग मिल्क फूड्स द्वारा ये मंचर में, क्योंकि मैं देख रहा था पूरा पूरा टाउन ही आपके नाम से खड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा है कि यहाँ पे रोज 12-15 लाख लीटर दूध यहाँ से आता है, और यहाँ पे इतनी इकोनॉमी में चेंज यहाँ पे आए, यहाँ की किसानों की लाइफ जो 1992 में हमने ये जो बिज़नेस चेंज किया, उसके पहले किसान काफ़ी परेशान थे, उसके पहले 8-10 साल से, कि दूध को एक अच्छी मार्केट नहीं थी। दूध प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए, आपने कहा 1992 से इस कामकाज की शुरुआत हुई थी, कैसे इस बिजनेस में आए? क्या पहले से फैमिली इस कारोबार में थी, आपने सिर्फ एक पराग मिल्क फूड्स को शुरुआत करी, या फिर ऑल टुगेदर एक नया वेन्यू था आपके लिए, आप 1992 में पहली बार उतरे, कहाँ से ये दिमाग में आया? ये दिमाग में ऐसा आया कि हम लोग, मैं खुद, मेरी एजुकेशन होने के बाद कैटल फीड सप्लाई करता था इन किसानों को, और थैंक्स टू इन दिस नेशन डॉक्टर कुरियन। अच्छा, एक चीज तो समझ में आती है, कमोडिटी में थे आप, मिल्क प्रोक्योर करते थे, उसके बाद एक ऑब्वियस डाइवर्सिफिकेशन था कि मिल्क प्रोडक्ट्स में उतरे। ये जो आपने ब्रांडेड बिजनेस में उतरा है, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? और अब वो ब्रांडेड बिजनेस क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, ये कैसे इस डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव करे? दूध से पनीर दही मुझे समझ में आता था, अब उसे इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट करना, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है सर? नहीं, उसमें ब्रेन चाइल्ड जो थी, आज मैंने देखा कि गाय का दूध जो है वो हम लोग मार्केट में ले गए, तो तब तक तो ऐसे सिचुएशन थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि हम दूध पी रहे हैं वो गाय का है, भैंस का है, या सारे और एनिमल का मिक्स है, और हेल्थ और न्यूट्रिशन के इससे ह्यूमन बीइंग को सिर्फ गाय का ही दूध पीना चाहिए। अच्छा, तो मैंने कंज्यूमर एजुकेशन सोच के और गोवर्धन मीन्स गाय से लिंक ऐसा ब्रांड, फर्स्ट ब्रांड हमने इंट्रोड्यूस किया, वो लिक्विड मिल्क हो, गोवर्धन घी हो, और कंज्यूमर ने उसको वेल एक्सेप्ट किया, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं। तो इस समय ये जो मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन कमोडिटी मार्केट में ऐसा था कि मुझे ऐसा लगेगा लगता था कि ये लोग हमेशा भाव ताल की तरफ ही सोचते रहेंगे, और जो ग्राहक को चाहिए उसके लिए बड़ा मेजर गैप रहेगा। तो इस समय मुझे बताएं, ये जो मिल्क का जनरल कारोबार, मिल्क प्रोडक्ट्स का कारोबार, और ये ब्रांडेड का किस तरह का मिक्स हो चुका है, कि आपकी कुल आय में कितना कितना हिस्सा इन लोगों का है? इनिशियली हम लोग 20,000 लीटर से चालू किए थे, दो प्लांट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 20 लाख लीटर का है, और हम लोग आज 12-14 लाख लीटर पर डे दोनों प्लांट में हैंडल करते हैं, और उसमें 20% जो है वो हम लोग लिक्विड मिल्क में हैंडल करते हैं, 80% वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, और उसमें ब्रांडेड बिजनेस में जो है सबसे बड़ा चीज़ जो है 2008 में हमने इन्वेस्टमेंट ली। मैं एक्चुअली चीज़ पे आने वाला था, डेयरी फार्मिंग से चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना और चीज़ में ऐसा ब्रांड खड़ा कर देना, आपका गो चीज़ जो ब्रिटानिया अमूल जैसे पुराने इस्टेब्लिश ब्रांड्स के साथ आज शेल्फ में जगह रखता है ना। तो अब ये बताएं, ये चीज़ का कामकाज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ कैसे 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 बढ़ेगा, क्योंकि फिर आप एक दूध डेयरी वाले से बढ़कर FMCG कंपनी का वैल्यूएशन कमांड करने लगेंगे। तो अभी चीज़ का कितना है और कैसे बढ़ाने की योजना है? आप तो एक्सपेंशन भी कर रहे थे चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग का, क्या हुआ उसका? ऑलरेडी हमने पिछले साल IPO के इन्वेस्टमेंट से हमने चीज़ का एक्सपेंशन पूरा कर लिया है। 2010 में हमने जो पहली बार ब्रांड खड़ा किया वो किया है गो चीज़ का, तब मार्केट की पूरी डिमांड जो थी उसमें 700-800 टन डिमांड पूरे मार्केट का डिमांड थी, और हमने टूहेड जाके 1200 टन का प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और 2010 से लेके 15 तक
हम लोगों ने मार्केट शेयर 33% इन चीज सेगमेंट, लीडर इज 40%। इस तरह से हम लोग 5 साल में हम अचीव किए। आपकी चीज से तो कोई शक नहीं, मेरे बच्चों को भी आपकी चीज पसंद आती है सर, इस तरह का ट्रैक्शन है। अच्छा, आईपीओ के समय आपने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए उठाए थे एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। लार्ज रिजल्ट्स आए थे, मैं देख रहा था उसमें आधा खर्च करा है जो आपने एक्सपेंशन अभी तक करे हैं। तो अभी एक्सपेक्ट करूं और एक्सपेंशन पाइपलाइन में है, अगर है तो किस तरह के? जो हमारे कमिटेड है वो मिल्क बेस्ड बेवरेजेस लाइन और प्रोटीन बेस्ड सारे प्रोडक्ट जो है। आपको ये तो पता है कि इंडिया इज अ 60% वेजिटेरियन पीपल और प्रोटीन की डेफिशिएंसी 80% है लोगों को। रिसेंटली हमने लॉन्च किया है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आता था वे प्रोटीन की बात, वे प्रोटीन उस पे मैं क्योंकि चीज़ पे फोकस करता है इस समय, डिमांड कैसी है, आप जो अभी एक्सपेंडेड कैपेसिटी है उसकी यूटिलाइजेशन किन स्तरों पे चल रही है और रीच बढ़ाने की बात है। अब तक तो वेस्टर्न इंडिया में बड़ी तगड़ी रीच है, आपकी पकड़ है, अब इसकी रीच अक्रॉस नेशन लेंथ, पूरे लेंथ एंड ब्रेथ पे इस देश के, उसको बढ़ाने के लिए क्या चल रहा है सर? क्योंकि मैं बहुत क्लोजली आपके चीज़ के ट्रैक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। तो हम लोग काफ़ी इनोवेशन उसमें लेके आ रहे हैं चीज़ में, जिस इनोवेशन के चीज़ में लोग ऐसे थे कि पहले चीज़ लोग इतना ही जानते थे कि स्लाइस क्यूब एंड ब्लॉक, दैट्स इट। हाँ ट्रू। हाँ, पर अभी लोगों की ज़रूरतें और डिमांड जो थी, जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल फ्लेवर्स है, श्रेडेड चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ है, चीज़ फॉर द पास्ता, चीज़ फॉर द नैचो, चीज़ फॉर द टैकोस, अलग अलग वेराइटीज, चेडा चीज़, ऑरेंज चेडा चीज़, और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनके लिए वो बी टू बी में, इंस्टीट्यूट में, पिज़्ज़ा चेन में, आप इंडिया में तमाम रेस्टोरेंट्स वगैरह को आप सप्लाई करने का काम करते हैं। कोई भी 10 पिज़्ज़ा चेन का नाम ले लो, 9 में वो चीज़ होगा। अरे वाह। अच्छा, अब थोड़ा सा कोर बिजनेस की बात, रॉ मटेरियल, रॉ मिल्क जो थी उसकी कीमतें बढ़ी थी, दिसंबर से अप्रैल का पीरियड था, साल दर साल 20% के आसपास का उछाल आ गया था उन कीमतों में। इस समय स्थिति क्या है? अभी वो नॉर्मल जाते होते आ रहा है, क्योंकि दिसंबर से जनवरी में इंटरनेशनल एकदम हाइप हुआ था रेट, और ये बिजनेस भले कमोडिटी ना हो पर स्किम मिल्क और बटर इससे लिंक होता है, तो इसलिए वो कभी इतना नहीं हो पाया था, इतना 20% हो पाया, अभी वो नॉर्मल होते आ रहा है। अब आप कह रहे हैं प्राइसेस ठंडे हो रहे हैं मार्केट में, मानसून अच्छा है इंडिया में, दूध की मिल्क की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो ये जो प्राइसेस है वो 5-7% से नीचे वो आते हुए आ रही। अच्छा, पराग का मिल्क प्रोक्योरमेंट कैसे होता है? डायरेक्टली आप कितना लेके आते हैं, एग्रीगेटर से कितना उठाते हैं, और क्या जा रहा था बीच में, क्योंकि आप काफ़ी सारी एमएनसीज वगैरह से डिमांड की शुरुआत हो चुकी है, तो एग्रीगेटर्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बाकी लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, तो शॉर्टेज वॉर्टेज या कोई किल्लत वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है किल्लत वाली, क्योंकि ये रिलेशन पे है, फार्मरों को गए 25 साल से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं सर। मैं देख रहा था यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स भी आ चुके हैं मंचर के आसपास। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 92 में मैं नया था इस बिजनेस में, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास 20,000 लीटर दूध आया और कोऑपरेटिव में 54,000 लीटर दूध था। उसके बाद में आज ये सिचुएशन 3 महीने में 6 महीने में ऐसी रही कि किसानों ने ये प्रोडक्शन अपना हेल्दीली बढ़ाया, आज उनके पास अगले 6 महीने में ये दूध उनके पास 90,000 हो गया और मेरे पास 60,000 लीटर हो गया। तो इस तरह से कंपटीशन को जो है वो हेल्दी कंपटीशन है, तो फिलहाल मैनेजेबल है, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कंसर्न ना रहूं इस बात को लेकर। कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो है 8-10% की ग्रोथ और स्पेसिफिकली काउ मिल्क में प्रोडक्शन की ग्रोथ जो है वो 12-14% है। अच्छा, खास करके ये जो बढ़ती दूध की कीमतें, इसके चलते आपने एक प्राइस हाइक लिया था 8% के आसपास अगर मैं सही हूँ, तो उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर्स ने लैग के साथ लिया था। अब आप जो कह रहे हैं स्थिति, कोई फर्दर प्राइस हाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी या पड़ने वाली है? नहीं, हम लोग अपनी प्राइस और मिल्क प्राइस कंज्यूमर को बैलेंस रखते हुए, FMCG कंपनी आई है कि एकदम क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो इस तरह से नहीं हो जाएगा, पर हमने हमारे मार्केटिंग खर्चे जो है, अदर एक्सपेंसेस है, प्रमोशंस है, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाके हमने वहाँ से 3-4% की सेविंग लाई है। अच्छा, क्योंकि कंजम्पशन एनवायरनमेंट अभी भी कहा जाता है थोड़ा दिक्कत वाला है, आपने जब प्राइस हाइक लिए थे तो वॉल्यूम में बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट आया था आपके मार्च तिमाही, मुझे अभी भी याद है। हाँ, क्योंकि तो, हमें प्राइस जो थी उसको स्टेबल करना था, इसलिए हमने जो कंज्यूमर पुश था उसके लिए थोड़ी सी मार्केटिंग और बाकी की प्रमोशन एक्टिविटीज थोड़ा हमने उसको पीछे खींचा था, तो एक इम्पैक्ट आया, पर हमने वो बैलेंसिंग कर लिया कि उस टाइम स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि अभी अपॉर्चुनिटी है स्किम मिल्क पाउडर्स और बटर्स की,
तो हमने हमारा प्रॉफिट जो है वो वहाँ से बुक कर लिया, पर ये लॉन्ग टर्म का है नहीं, क्योंकि 10-8% हमें कंज्यूमर में FMCG में उस 1.5 महीने में डिफरेंस आया, पर अभी जो है अब, नहीं आएगा, अब वो नॉर्मलाइज हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रही है। आपकी कंपनी के लिहाज से सबकी नजरें हैं वो जो नए प्रोडक्ट्स आप लगातार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें पहला तो वो जो वे प्रोटीन का ब्रांड है अवतार, मेरे ख्याल से उसका नाम है, हाँ, है ना, अब वो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपने कई जगह टाई अप करा था, अमेज़न के साथ भी ऑनलाइन टाई अप करा था, मैं लास्ट पढ़ रहा था, आपका क्लेम था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है उसमें, क्या कम्युनिकेट कर पाए मास ऑडियंस को, डिफरेंशिएट कर पाए मार्केट प्लेस में? हम लोग उसको काफी अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, और सबसे बढ़िया जो है कि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो आता है उसकी सेल्फ लाइफ, उसकी फ्रेशनेस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे तो आज दूध आया कल चीज बना, और परसों जो है उसकी वे प्रोटीन बन के मार्केट में हम लोग भेज रहे हैं, तो हम लोग उसको पायलट तरीके से आज बड़े फोकसली देख रहे हैं, और कई दिनों में हमें कॉन्फिडेंस है क्योंकि जो कंज्यूमर टेस्ट हमने लिया है, सर्वे किया है, इस प्रोडक्ट को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। अच्छा, मैनेजमेंट का टारगेट था 75 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स इस वे प्रोटीन से होने का, कहाँ तक पहुँचे, कब तक के टारगेट अचीव कर पाएंगे? ये हम लोग ये साल में उसका वे प्रोटीन मिस एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए है, प्रोटीन में काफ़ी और भी जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो रोज हेल्थ और जिम में जाते हैं उनके लिए हाईली प्रोटीन परसेंटेज वाला ये प्रोडक्ट है, पर आप मैं जो रोज जिम में नहीं जा रहे हैं पर फिर भी इंडिया आपको तो पता है 60% लोग जो है वो वेजिटेरियन है, और 80% प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये सबसे ही बात है, तो आप ये लोगों को कम्युनिकेट कर पाए, ब्रांड की एक्सेप्टेंस बेहतर हो रही है मार्केट प्लेस में, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कम प्रोटीन इसका एक जनरल प्रोटीन हम लोग बड़े शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्क बेस्ड प्रोटीन कैटेगरी में कर रहे थे मेरे ख्याल से, जहाँ पे प्रोटीन एक्स, और आप नाम ना लें लेकिन ये सब वो पीयर्स हैं आपके जहाँ पे वो आप बता नहीं, पर हम लोग जो है वो सिर्फ मिल्क प्रोटीन है, अच्छा, प्योर मिल्क प्रोटीन है, और मार्केट में जो है पूरी मिल्क प्रोटीन अवेलेबल ना होने से, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ना अवेलेबल होने से ये में सोया या बाकी चीजें उसमें मिक्स होती है, और हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारी जो USP होगी वो प्योर प्रोटीन मिल्क प्रोटीन होगी, तो वो कम्युनिकेट करना बचा है अभी मार्केट प्लेस में। हाँ, अच्छा, इससे पहले मैं अगले प्रोडक्ट पे जाऊं, मैं अब हम लोग काओ शेड पे पहुंच चुके हैं, मैं जब आपके साथ IPO के समय बात कर रहा था तब वो बात हो रही थी करिश्मा करीना जैसी गायें वाये हैं आपके पास, इन्हीं में है क्या वो? या आपको बड़े शॉर्ट में बताता हूँ, जो हमारी ऐश्वर्या है वो यहाँ पे है, 54 लीटर मिल्क वो रोज प्रोड्यूस करती है पर डे। ये नाम देने का आइडिया कहाँ से आया था? ये तो देखो, इतनी खूबसूरत ब्यूटी क्वीन जो हमारे फार्म में सबसे बढ़िया मिल्क प्रोड्यूस करे, तो करिश्मा सबसे ब्यूटीफुल है बॉलीवुड में, इसीलिए नंबर टू पे हमारे पास करीना और ऐश्वर्या। तो आपको याद रहता करीना कौन है, ऐश्वर्या कौन है इस भीड़ में? हाँ, इस भीड़ में याद है, मैं आपको उसके साथ बता सकता हूँ। चलिए जाते जाते वहाँ पे चलेंगे, कैसे वो डायलॉग करती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफिकेशन, एक तो आपने वे प्रोटीन उतारा था, दूसरा मैं पढ़ रहा था वो फ्रूट जूस सेगमेंट में आप उतरे हैं स्लर्प के नाम से, अल्फांसो मैंगो, उसमें थोड़ा मिल्क कंटेंट, क्या आइडिया है सर? फ्रूट जूस मार्केट हिंदुस्तान का बहुत बड़ा है तो सच है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप अभी 4 शहरों में उतरे हैं मेरे ख्याल से, है ना, किस तरह का रिस्पांस मिला है? आज हमने उसको स्पेसिफिकली मैंगो स्लर्प प्योर अल्फांसो ये इंट्रोड्यूस किया है। आज आपने पूछा तो फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस ड्रिंक जो है वो 10,000 करोड़ की मार्केट है, उसमें मैंगो जो है वो 6-6.5 हज़ार करोड़ की मार्केट है, और 25% की ग्रोथ मैंगो ड्रिंक में हर साल आ रही है। तो ऐसे ड्रिंक को हमने जो इंट्रोड्यूस किया है तो बियॉन्ड मार्केट, अहेड द मार्केट, एक नई फ्लेवर लाके, कैटेगरी तो बहुत बड़ी है, अगर आपने हल्का सा भी मार्केट शेयर ले लिया तो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा सर। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अब तक एक्सेप्टेंस कैसा रहा है 4 शहरों में जो उतरे हैं आप? सब जगह हम लोगों ने काफी मई से लेके अप्रैल से लेके मई तक 4 शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्लर्प उसका नया ब्रांड है, तो इस ब्रांड का लोगों ने टेस्ट की वजह से इतना एक्सेप्टेशन किया है, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है उनकी प्राइजेस और ये प्राइजेस 20% ऊपर है, फिर भी हमें हमारे प्रोडक्शन के इसमें जो लॉन्च होने के बाद जो हमारे 50-60% का जो प्लानिंग था उसको क्रॉस करके हम लोग 80-90% तक पहुंच गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बातचीत हो रही है आज हमारी पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन
देवेंद्र शाह साहब से। शाह साहब, दोनों आपके अब नए ब्रांड्स हैं, टॉपअप है, स्लर्प है, एक ही स्पेस में बेवरेजेस के स्पेस में जो आ गए हैं, क्या टारगेट्स होंगे सर? FY18 में क्या मान के चलूं, किस तरह का धंधा ये लेके आने वाले हैं आपके लिए? जो मार्केट शेयर है वो हम लोग स्लर्प के लिए स्पेसिफिक मैंगो बेस्ड ड्रिंक जो है वो आज इनिशियली पायलट रन लेने के बाद अगले तीन चार साल में हम लोग 5% से 10% की मार्केट शेयर इसकी अचीव करेंगे मार्केट में। 3-5% जो है अगले 3 साल में हमारा अचीव होगा, ये हमारी टारगेट है। कंसर्न मैंने अमूल ब्रिटानिया जैसी कंपनीज का नाम लिया जिसमें अब आप शेल्फ स्पेस उनके साथ एक्वायर करते हैं, उनके साथ शेल्फ स्पेस शेयर करते हैं। अब कराम इंटरनेशनल एमएनसी ब्रांड्स, चाहे क्राफ्ट हो, डेनॉन हो, लिस्ट लंबी है सर जो इस मार्केट प्लेस में आ चुके हैं, तो कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो क्या वो एक्चुअली पूरा शेयर पाई बढ़ रहा है या आप लोग के मार्केट शेयर पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? आज ऐसा है, इंडिया इज अ हाईली फास्टली ग्रोइंग जगह है, और ये सारे 20 वर्ल्ड के टॉप बेस्ट 20 MNCs जो है उनको इंडिया में आना ही आना है, इंडिया के सिवा उनकी ग्रोथ हो नहीं सकती है, तो उनके कंपटीशन के लिए हम लोग वेल प्रिपेयर है। अच्छा, इनमें से कोई आपको अप्रोच करता है कभी कि आप हमारे साथ टाई अप कर लो? कभी किसी जो भी आता है वो पहले नॉक नॉक यहीं पे करता है। नॉक नॉक किया है? नॉक नॉक ऐसे मन नहीं बनाया, मन नहीं बनता है, क्योंकि हमने इतना स्क्रैच से लेके ब्रांड बनाने तक यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, और वर्ल्ड में जो भी बेस्ट डेयरी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वेरी फास्ट FMCG कंपनी की तरफ इसको कन्वर्ट किया है। जितने प्रोडक्ट थे, जितनी रेंज थी इंटरनेशनल इसमें, वो सारे हम लोग सारे बेबी फूड के इंग्रेडिएंट्स तक बनाते हैं, तो इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने प्रोडक्ट लाने के बाद हाथ मिलाने का कोई मन नहीं है, अकेले खड़े रहना है, अकेले खड़े रहना है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है इसको इंटरनेशनल प्रोडक्ट के सामने रिप्लेस कर रहा है। एक और कंसर्न, अब तक जो आप तमाम प्रोडक्ट उतारते थे वो मिल्क बेस्ड होते थे, है ना? अब आपका जो स्लर्प आया ये एक्चुअली लार्जली तो मैंगो बेस्ड हो गया, आप अपनी लाइन से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्की बिजनेस? रिस्की बिल्कुल नहीं है, कुछ भी करो तो मैं उसमें डैश ऑफ मिल्क जो है वो मेरी USP है, और जितने भी कॉम्पिटिटर है उनको ये टेक्नोलॉजी एडोप्ट करना और अपने आप को बदलना उनके लिए मुश्किल है, मेरे लिए ये बड़ा ईजी है। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो डेयरी एंड फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस ड्रिंक एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है, तो मेरे लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों के लिए लगाना है नहीं। एक अच्छा एक और कंसर्न, काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स काफ़ी लिमिटेड समय आप बाजार में उतार रहे हैं, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है बाजार में मार्केट प्लेस में, कितने कॉन्फिडेंट आप हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर, और कितने कॉन्फिडेंट हैं जो आप टारगेट्स मुझे बता रहे हैं FY18 में, FY19 में, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि टारगेट्स आसानी से अचीव हो जाएंगे? देखो, फूड जर्नी में दो ही चीज़ होती है, जो प्रोडक्ट आप ले आओ उसकी एड कितना भी करो, उसकी कुछ भी ये कर रखो, जब तक कंज्यूमर को टेस्ट नहीं पाती है तब तक वो प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ता है। और हम लोगों का पूरा ध्यान होता है कि ये प्रोडक्ट कि किसी भी सिचुएशन में कंज्यूमर को टेस्ट मायने रख के वो हम लोग डेवलप करते हैं। कंज्यूमर का मन जीत लिया, उसका हार्ट जीत लिया, तो उसके बाद उसको रैंप अप करना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना ही है, और हम लोगों का पूरा फोकस है कंज्यूमर अपनी जगह। आप तो एक बिजनेसमैन हो चुके हो सर, बड़े बिजनेसमैन, आप सब शेयरधारकों की बात समझोगे, आप जो तगड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उससे मेरे लिए क्या दिक्कत हो रही है कि रिटर्न रेशियोज जो हैं, अब मेरे लिए डर है कि अब वो रिटर्न्स आने में मुझे समय लगने वाला है, तो आप, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था आप बिजनेसमैन हो, आपने सारे कैलकुलेशन कर रखे होंगे, मेरे रिटर्न, शेयर होल्डर्स को इन सब का फ़ायदा कब तक मैं देखूंगा बुक्स पे? ये जो है वो जस्टेशन पीरियड जो था लास्ट ईयर से, ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत लंबा होगा, पर मैं ऐसा जरूर कहूंगा कि इस बिजनेस को कोई क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो वो जरूर ना देखे इस तरफ, ठीक है? हाँ, इस बिजनेस को अगर अगले 6-9 महीने में देखे तो हम लोग पूरा अपना शेप जो है बिजनेस की पूरी ये है वो चेंज कर रहे हैं लास्ट ईयर से, लंबी अवधि में सबका फायदा बड़ा मिलने वाला है मुझे। अच्छा, कंपनी की लिस्टेड हिस्ट्री जो है बड़ी छोटी है, अभी तो आप IPO आया था उसके बाद, है ना, इसी बीच में मुझे क्वार्टरली नंबर्स में बड़ा वेरिएशन देखने को मिला, वॉलेटिलिटी देखने को मिली, तो मैं थोड़ा डर गया था इस बिजनेस को लेकर, तो ये जो वॉलेटिलिटी है बीच में, जो मार्च तिमाही एकदम से बहुत ख़राब हो गई थी आपके परफॉर्मेंस के लिहाज से, एक्सपेक्ट करूँ आगे इस तरह का परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगा, हालात बेहतर होते हुए नजर आएंगे? 100% हालात ये रहेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर लोगों ने देखा कि ये 20 साल में पहली बार इस तरह के 20-22% की प्राइस हाइक जो है वो इंटरनेशनली वर्ल्ड में भी आई है, और बड़े सडनली वो स्टॉप हुई है, रुकी है, और ट्रेंड चेंज हो रहा है, पर ये वापस आगे भी हो सकता है, तो हमने हमारी प्रोडक्ट की रेंज जो है वो काफ़ी कंटिन्यूस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में हम लोग लगा रहे हैं,
जैसे पनीर हम लोग इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आईपीओ के इन्वेस्टमेंट से हमने पूरा ब्रांडेड पनीर होने वाला है, ये ब्रांडेड पनीर होने वाला है और 75 डेज का लॉन्ग सेल्फ लाइफ वाला काऊ पनीर। तो इस तरह की पनीर की जो आज ये कंजम्पशन है, दूध पीने के बाद आदमी कंजम्प करता है वो पनीर में, तो उस पनीर को आज हम लोग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपके नए लॉन्चेस में सबकी बड़ी पैनी नजर है, मैं भी देखूंगा। अच्छा, FY 17 में थोड़ा सा धक्का लगा हो एक क्वार्टर के बाद, FY 18 एक्सपेक्ट करूं FY 17 से बेहतर होने वाला है? 100% बेहतर होगा। हमने कमिट किया है कि हमारी ग्रोथ जो है वो ईयर एंड ओयर अगले 2 से 3 साल में 14 से 16% तक हम लोग पहुँचेंगे। ऑन दैट नोट देवेंद्र शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए आज, और करिश्मा करीना ऐश्वर्या को भी बाय बाय मेरी तरफ से। ये तो पहली सीरीज में कड़ी में था, मैं ग्राउंड पे आया था एक इंटरेस्टिंग कंपनी पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन साहब से बातचीत करने के लिए, लेकिन इसी कड़ी में ऐसी कई और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके लिए लेकर आऊंगा आने वाले दिनों में। ऑन दैट नोट नमस्कार।